दोस्तला मिलिट्री स्कूल का 23वें वार्षिक समारोह का आयोजन कस्तूरचंद पार्क में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने युवाओं को संदेश दिया कि देश का भविष्य उनके कंधों पर है, देश को सार्थक दिशा में ले जाने का कार्य करें। उन्होंने युवाओं को सेना में शामिल होने का भी आह्वान किया। साथ ही युवाओं को उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों के लिए करने की सलाह दी। शनिवार को भोसला मिलिट्री स्कूल का 23वें वार्षिक समारोह का आयोजन कस्तूरचंद पार्क में किया गया। समारोह में जनरल रावत प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावन कुले, स्कूल के प्रमुख शैलेश जोगलेकर, सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी नागपुर विभाग के चेयरमैन सूर्यभान डागा, सचिव कुमार काले, स्कूल के कमांडेंट कर्नल जे एस भंडारी, प्राचार्य अजय शिर्के, लेफ्टिनेंट जनरल बी बी शेकटकर, दिलीप बेलगांवकर उपस्थित थे। जनरल रावत ने कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर काफी जानकारी है, लिहाजा इसका इस्तेमाल ग्रीटिंग कार्ड, जोक्स या फिर गलत जानकारी भेजने के लिए न करते हुए सही ज्ञान और शिक्षा के लिए करें, स्वयं का करियर बनाने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञान हासिल करने के लिए कई साधन है, इंटरनेट, पुस्तक या फिर अन्य तरीकों से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर और गुणवत्तापूर्वक और विद्यार्थियों को अनुशासित और नैतिक बनाने वाली शिक्षा केवल स्कूल में ही हासिल हो सकती है, जिससे स्कूल का विद्यार्थियों के जीवन में काफी महत्व है। भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों की इन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2035 तक विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कई देश बुजुर्ग हो जाएंगे, भारत विश्व का युवा देश रहेगा। देश में कितने युवा हैं इस पर उसका भविष्य अवलंबित नहीं रहता, बल्कि वहां के युवा कितने अनुशासित और देशभक्त हैं। देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं, साथ ही आने वाला समय सुनहरा होगा। सैनिकों से हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। समारोह में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट भी किया, साथ ही एयर मॉडलिंग शो, जिम्नास्टिक, बिग जंप, लेजियम, घुड़सवारी के माध्यम से उपस्थितियों का मन मोहा। In physical agility, gymnasium, combustion activities, band displays, and of course the aerobatics that were performed by the cadets of the base school. I think today what we have witnessed is the vision of Dr. Balakrishnan Shiv Ram Mukherjee, who very early in 1935 thought the creation of a society, or the Central Hindu Military Education Society, was important for the progress of our nation. And today, the result is all before us. That is, Bhosla Military School ke Nagpur ke 23 varsho ke itihas mein आज का दिन बहुत ही विशेष इस प्रकार का दिवस है। मैं विशेष रूप से मानता हूं कि भोसला मिलिट्री स्कूल की ये बैच बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज आपके एनुअल डे पर आपको मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे बीच आए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी कैडेट के लिए ये एक स्वप्न पूर्ति सवाल है, क्योंकि एनुअल डे पर जिस सेना की ओर देखकर हम लोग प्रेरणा पाते हैं, जिस सेना को देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जिस सेना ने लगातार अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखा है,